नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ सितारा कबूतर और मधु मक्खी। एक समय की बात है, नदी किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। ये देखो नदी है ना, उसके किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ जिस पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया। ये देखो मधुमक्खी का घर है ना, मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया। मधुमक्खी दिन भर मेहनत करके फूलों से रस इकट्ठा करके शहद बनाती। सारा दिन ना वह एक फूल से दूसरे फूल से रस इकट्ठा करती और क्या बनाती, शहद। एक दिन मधुमक्खी को प्यास लगी, उसे बहुत जोर से प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए नदी पर गई। ये देखो पानी पीने के लिए नदी पर गई। पानी पीते ही अचानक वह पानी के तेज बहाव में बहने लगी। पानी का बहाव तेज था ना, पानी जब वो पी रही थी तो एकदम से बहाव में बहने लगी। पेड़ की डाल पर बैठा कबूतर यह सब देख रहा था। यह देखो पेड़ की डाल पर कबूतर बैठा था ना, वो उसे देख रहा था। उसने एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया। यहाँ से एक पत्ता लिया, कहाँ फेंक दिया, नदी में, जिस पर बैठकर मधुमक्खी किनारे पर आ गई। ये देखो इस पत्ते पर बैठकर वो कहाँ आ गई, किनारे पर। उसने कबूतर का धन्यवाद किया। कुछ दिन बीत गए, जंगल में एक शिकारी आया। कौन आया देखो, शिकारी, ठीक है। उसकी नज़र कबूतर पर पड़ी, वह चुपचाप उसको निशाना बनाने लगा। तभी मधुमक्खी की नज़र शिकारी पर पड़ी। जब उसने देखा कि कबूतर की जान खतरे में है, क्योंकि कबूतर ने भी एक बार उसकी जान बचाई थी ना मधुमक्खी की, तो अब उसने सोचा मैं भी इसकी जान बचा दूं। और वह उससे अनजान है तो, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, तो मधुमक्खी ने जल्दी से शिकारी के हाथ पर डंक मार दिया। ये देखो डंक मार रही है ना, वह हाय हाय करके चिल्लाने लगा। तभी कबूतर ने भी शिकारी को देख लिया। जब उसने डंक मारा तो जब वो जोर से रोया, हाय हाय कर लिया, तो कबूतर ने एकदम से देख लिया और शिगर उड़ गया और जल्दी से ही उड़ गया। शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर के प्राण बच गए, कबूतर की जान बच गई ना। उसने मधुमक्खी का धन्यवाद किया और दोनों दोस्त बन गए। और आपस में ये दोनों दोस्त बन गए ना, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कर भला हो भला। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।